अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पैसे आ गए एक न्यू वीडियो के साथ और आप लोग सोचेंगे लड़की किधर थी इतने दिनों से। आई ना, आप लोग याद तो कर रहे होंगे ना मुझे। नहीं। हुआ ये था कि ईद के तीसरे दिन मेरा लास्ट व्लॉग अपलोड था, उसके बाद तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि फ्रेंड्स मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई थी ईद के तीसरे दिन। आई थिंक सो आप लोगों ने नजर लगा दी थी मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे कि मैंने बोला था, मुझे इधर दाना निकला था उसका निशान तक रह गया और उस दाने ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी थी पूरे एक हफ्ते तक। उसके बाद हुआ ये फ्रेंड्स की फिर मैंने एक हफ्ते तक मैंने सोचा गैप ले ली थी। बीच में फ्रेंड्स मेरी स्टडी आ गई थी और उसकी वजह से मेरी रूटीन इतनी बिजी हो चुकी है। मैं आप लोग से इंशाल्लाह एक दिन अपनी फुल डेली रूटीन शेयर करूंगी जिसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैं कितनी बिजी लड़की हो चुकी हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैंने ये YouTube स्टार्ट लिया ये तो मैं इसको बीच से ही नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने सोचा मैं कंटिन्यू रहूंगी। अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं ईद तो गुजर चुकी है, सवेरा आई है हमारे घर की, क्योंकि उसके साथ भी कुछ करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। सवेरा ठीक हो? जी। सवेरा को आप लोग जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते आई थिंक सब जानते हैं सवेरा को। तो बस अब सवेरा आज बताओ क्या होने वाला है, बताओ तुम। बहुत कुछ होने वाले हैं। हम लोग आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अभी हुआ ये, मैं आ चुकी हूँ नीचे के पोर्शन में और आप लोग को पता है जब भी मैं नीचे के पोर्शन में आती हूँ ना मैं हमेशा कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। तो आज भी मैंने सोचा मुझे कुछ ना कुछ करना है। व्लॉग के थंबनेल और टाइटल से तो आप लोगों को पता है लगी गया, तो इसलिए मैंने सोचा मैं रिवील कर रही थी कि आज मैं करने क्या वाली हूँ। आज हम करने वाले हैं बच्चों के साथ एक अच्छा सा छोटा सा चैलेंज, क्योंकि हम लोग बहुत फ्री बैठे थे तो हमने सोचा यार क्यों हम लोग इतना अपना टाइम जाया करें, हम लोग कुछ अच्छा सा शूट कर लेते हैं, कोई चैलेंज शूट कर लेते हैं। इसलिए अब मैंने डिसाइड कर दी कि हम लोग कोई चैलेंज शूट करेंगे आज। तो फ्रेंड्स हुआ ये कि ये सारी चैलेंज के लिए चीजें मैंने मंगवा के रखी है। इस चैलेंज की जो हेड है वो जैसे कि मैं हूँ तो अब मुझे ही सारी तैयारी करनी होगी। इस चैलेंज का सबसे बुरा और सबसे मेरे लिए तो सबसे अलग पार्ट ये है कि मैं इन सारे बच्चों को अपनी ईदी बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो मुझे चैलेंज की तैयारी करनी होगी, वो भी पूरा अकेले। तो मैं आप लोगों को चैलेंज बाद में रिवील करूंगी, तब तक मैं तैयारी करना शुरू कर लेती हूँ। हुआ ये कि मैंने यहाँ पे इतने सारे गुब्बारे फुलाए, तो फ्रेंड्स जब मैं इनको फुला रही थी ना तो ये सारे फट रहे थे, मेरी तो हालत खराब हो गई इनको फुलाते फुलाते। देख सकते आप कुछ छोटे हुए हैं और कुछ बड़े। तो अभी बस मुझे ये इस दीवार पे सेट करना है पूरा, पलून यहाँ पे सेट कर दिया मैंने इतने मेहनत से किया फ्रेंड्स क्या बोले मैं आप लोग को। तो मुझे इतना डर लग रहा था फट नहीं जाए। अभी बस मुझे पैसे सेट करने हैं जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं करूंगी क्योंकि देने का दिल नहीं करता फ्रेंड। सारी ईदी मैंने इस पर्स में जमा करके रखी है फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं। अगर आप लोगों को चाहिए ना फ्रेंड्स तो मैं नहीं, गजब बेइज्जती है। ये जो ईदी है ये बहुत ज्यादा स्पेशल ईदी है, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बट अब ये भी दाव पे लगानी पड़ेगी। इतने सारे पैसे आप लोग सोचे फिर ये वो पास आए कहाँ से फ्रेंड्स? ईदी मिली है, ईदी देख सकते चिल्लर पार्टी, ये सारे पैसे मेरे पास जमा। मेरे अब्बू ने मुझे ये पूरा 50 का बंडल उठा कर दे दिया, क्योंकि मैंने उनको बहुत सर कहा था कि आपने मुझे सिर्फ 500 की ईदी दी, तो अब्बू ने पूरा बंडल ही मुझे उठा कर दे दिया। अब इतने सारे पैसे मैंने सोचा कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग तो करना ही चाहिए, वरना आप लोग सोचेंगे इस लड़की ने अपनी ईदी नहीं दिखाई है। तो बस फ्रेंड्स अब मैं ये ईदी बच्चों में बांट दूंगी क्योंकि मुझे नहीं रखने इतने पैसे। स्पेशल चीज जो है ना वो ये है, वो तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा इसका करूंगी मैं क्या। बाकी फ्रेंड्स इतनी सारी ईदी देखकर आप मेरी माशाल्लाह बोल दो, ये ना कल ही गायब हो जाए कुछ भी। मेरा ये सारा सेटअप फुल रेडी हो चुका है, अभी जो है हम अपने चैलेंज के लोगों को बुला लेते हैं जिनके साथ हमें ये चैलेंज करना है, जिनको मैं दिखा भी देते ताकि उनकी आंखें बाहर आ जाए कि हम आखिर में उनके साथ क्या करने वाले, तब प्रैंक बड़ा प्रैंक करूंगी ना फ्रेंड्स उनके साथ। अब देखना आप लोग, तो चलो आप लोग रेडी हो तो ठीक, तो मैं बस दरवाजा खोल रही हूँ ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी आते जाओ। ये सारे बच्चे हैं, इनके साथ मैं इतना बड़ा प्रैंक सॉरी मतलब चैलेंज करूंगी, समझ रहे हो? चैलेंज है, चैलेंज है, प्रैंक नहीं चैलेंज है ठीक है। तो अभी बस इनको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा लेट हो जाएगा, तो चलो स्टार्ट करें। चलो आज आप लोग रेडी हो ना, तो सबसे पहली बारी में कौन आएगा बताओ? मैं चलो मैं। नहीं कोई नहीं, हम पुगम करवाएंगे ठीक है, हिसाब बराबर इंसाफ होना चाहिए, पुगम तो पता है ना क्या होता है। चलो आ जाओ करो ना। नहीं सबर सबर, बच्चे नहीं करेंगे पहले, अक्सा बड़ों को करने दो। मरियम फर्स्ट हो गई, मरियम गुड हो गया, वाह सेकंड अक्सा हो गई, सवेरा मुझे तो लग रहा है सवेरा आखिर में आएगी आज। चलो जल्दी जल्दी करो आप लोगों को पता है चैलेंज में करना क्या है और आपके कितनी बारी है? कुछ नहीं पता आप लोगों को ना? नहीं मैं आप लोगों को थोड़ी देर में सब समझाऊंगी ठीक है, सही है ना? सही है सवेरा। ओके
तो करना ये है तुम लोगों ने कि एक पेन है ये, आप लोगों की मर्जी से कोई भी गुब्बारा फोड़ देना, इसके अंदर दिखा सकते हो आप पर्चियां हैं और पर्चियों में कुछ भी लिखा होगा आप लोग के लिए डेयर भी होगा, आप लोग के लिए पैसे भी होंगे और वो आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें ये वाला स्प्रे निकला तो आप लोग को ये स्प्रे आप लोग के मुंह पे कर दिया जाएगा, ठीक है। रेडी हो आप सब लोग? रेडी हो सब? और अगर ये नहीं निकला फिर पैसे मिल जाएंगे आप लोगों को? नहीं, मतलब डेयर मिले और अगर ये नो स्प्रे नहीं मिला तो फिर ये डेयर हम लोग सबसे पूछेंगे कि मतलब क्या उनको डेयर दें, ठीक है। सब रेडी हो? यस। आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट बारी जो है वो है मरियम की। मरियम आपकी पहली बारी है, ध्यान से करना और कुछ अच्छा जीत कर जाना क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम जीतो। चल झूठा। ये लो आप, और आपने 50 वाला निकालना है। चलो देखते हैं मरियम क्या निकालती है, जल्दी करो, देखते हैं कितना है इसमें। 100 मरियम फ्रेंड 100 रुपए जीत गई। मरियम ने अपनी पहली बारी 100 रुपए में जाया कर दी, तो ये लो 100 रुपए आपके। मैं इनको असल में फ्रेंड्स दे रही हूँ, ये ना हो कि आप लोग समझे कि मैं इनको नहीं दे रही हूँ, इनको दे रही हूँ सीरियसली। चैलेंज में बहुत मजा आ रहा है ये गेम खेलते हुए। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अभी दूसरी बारी है वो है अक्सा की। अक्सा ये लो। नहीं नहीं फोड़ो अक्सा, कोशिश करो, कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई करो। अक्सा को इस पे चढ़ के फोड़ना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सा छोटी भी है, अगर इस पे चढ़ के फोड़ना चाहते हो फोड़ो, नहीं तो नीचे वाले फोड़ना चाहते हो फोड़ सकती हो। चलो बस जल्दी करो, टच करो सिर्फ, टच करो यार, डर नहीं लगेगा, पागल करो, कुछ नहीं होता, दर्द कौन सा करना चाहती हूँ मुझे। अच्छा सिर्फ टच करो, हाथ लगा कर जाओ, हाथ लगा कर, हाथ लगा कर जाओ कि मुझे पता चलेगा, ऐसे नहीं हाथ लगा कर जाओ। ये इधर गिर गया, देखते हैं अक्सर ने क्या जीता है, ठीक है। अब अक्सर डियर करेगी, उसको डियर कौन देगा? बाद में देंगे ना उसको डियर, ठीक है ना, बाद में। तो अभी तीसरी वाली जो है वो है जैनब की बहन। कुछ अच्छा जीत कर जाओ, इतने सारे पैसे जिसको मौका मिल रहा है ना जीतने का, वो कुछ अच्छा ही जीत कर जाते। देखते क्या जीते हैं जैनब, ठीक है। मुझे पता था तभी मेरी बोलती बंद हो गई। मरियम गिर गई ना। और कितने अजीब लोग हैं फ्रेंड्स, मतलब मैंने इसको दिया ही नहीं और ये पहले से उठा के ले गया। कोई तरीका है भीख मांगने का? जैनब ये आपके 1000 रुपए। चौथे नंबर और आखिरी नंबर बेचारी सवेरा, आप देखते सवेरा क्या जीत कर जाते और अच्छा जीत कर जाना, ठीक है ना। इस बार मुझे अपनी किस्मत पे यकीन है, देखते क्या निकल रहा है। नहीं यकीन है मुझे, ये ले लो यार, 100 रुपए बहुत है, ये लो आपके सामने। वैसे सबकी बारी आ चुकी है और अभी इनको एक एक चांसेस मैंने दिए, मैंने 2 बारियां दी है, तो मरियम आपकी पहली बारी थी ना। आ जाओ मरियम, पिन पकड़ो और अपनी किस्मत खोल दो। इस बार तुम फ्रेंड्स मुझे 500 का नोट जीत के जाना, ओके, लेकिन मैं जीतने नहीं दूंगी। चलो अभी फोड़ो। ए 500 रुपए ले। 50 का नोट मरियम जीत कर गई। मरियम की नसीब में फ्रेंड्स 50 का नोट मिला, मरियम 500 नहीं जीत पाई, तो तुम हार गई। कोई बात नहीं, 150 रुपए तो एक शोरमा तो आ जाएगा। चलो ये लो 50 मरियम, अब दफा। आज अपनी दूसरी बारी करो, इस बार आपने 2 रुपए भी नहीं जीतने, ठीक है। चलो आज करो दूसरी बारी, चलो सही सोचो क्या करना है। पर्पल वाला करना है, खुद चल रही है। चलो चलो अक्षा करो, अक्षा 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 अक्षा, गुड गुड गो अक्षा गो। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन मैं आपको उठाऊं। चलो अक्षर कौन सा करना है, आखिरी बार बता दो। चलो बताओ, यही करना है पक्का, ठीक है। खोलो मुझे, खोलो डांस ऑन टेंगे टेंगे। अब अक्षर को टेंगे टेंगे पे डांस करना होगा, टेंगे टेंगे की कौन कौन जाते हैं कौन कौन नहीं जाते उनको पता होगा, ठीक है। अक्षर टेंगे टेंगे करो अभी, नहीं आखिरी में अक्सा जो है टेंगे टेंगे वो बाद में करेगी, सही है। अभी तीसरी बारी है वो है जैनब की। जैनब आ जाओ,
एक तो इतना अच्छा मौका मिला ईदी जीत के जाने का और वो भी नहीं कर पा रहे। कुछ भी नहीं बताऊंगी। चलो ये आपका कैमरा नहीं है, जल्दी करो खोलो। बस पांच सामान यार, ये चीज क्या मिला है? क्या मिला? आपका क्या रिएक्शन है? आपने 1500 जीते। मुझे इतनी खुशी हो रही है, लग मुझे लग रहा है जैसे वो ये पता नहीं किस शो में आए, कसम से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये लो देना अपने 50 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, ठीक है? बाद में ना चुपके हम दोनों बैठे, चुपके मुझे दे दे। जेना ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कुछ नहीं, आखिरी बारी सवेरा की और मैं चाहती हूँ कि मैं स्प्रे सवेरा के मुंह में करूँ। तो सवेरा बस जल्दी करो तुम कुछ अच्छा निकाल के जाओ। मुझे अपने आप ही गई मैं खोलूंगी इसको, इसको मैं खोलूंगी। लास्ट सवेरा डेर, सवेरा को डेर में देंगे के सवेरा 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 देखेंगे बताएंगे, ठीक है? सबसे ज्यादा जो कम जो पैसे बचाए लिए है वो सवेरा ने लिए है, ज्यादा पैसे लिए हैं वो जैनब ने लिए हैं, मुझे कंगला कर दिया इसने। अक्सा ने नहीं, जैनब ने लिया है, मुझे कंगला कर दिया इस लड़की ने। फ्रेंड्स अब मुझे लगता है मुझे कुछ दिनों तक अपनी अलमारी को लॉक लगा के रखना होगा, क्योंकि ये लोग ने तो मेरे पैसे उड़ा दिए सारे। जिनके डियर है और जिनको डांस करवाना है उन सबसे अच्छे से डांस करवाएंगे। आज अक्सा अभी अभी हमने चैलेंज तो कर लिया है और चैलेंज बहुत मजा आया है बहुत ज्यादा। और बाकी फ्रेंड्स अभी अक्सा से हमें टेंगे टेंगे करवाना है, उसका आया था। चलो अक्सा 1 2 3 स्टार्ट। तो बहुत फनी लग रही है अक्सा। और ओके चलो जाओ, बस हो गया। सबसे मेन पॉइंट पे आता है कि हम सवेरा को क्या डेयर दें, बताओ क्या डेयर चाहिए सवेरा आपको? हम देंगे, हम देंगे ना, बताओ वोट करो क्या चाहिए, क्या देना चाहते हो सवेरा को? स्प्रे स्प्रे बढ़ गया प्रोग्राम। सवेरा के साथ मोए मोए हो गया। सवेरा अब स्प्रे करेंगे आपके मुंह पे। चाहे अगर मेरे साथ सवेरा की पर्सनल तो कोई दुश्मनी नहीं है, बट एक दुश्मनी है तुम्हारे साथ मेरी, इसलिए मेरे मुंह पे स्प्रे मारूंगी। धीमा धीमा सवेरा आके बंद करो। कितनी देर तक मारूं? हाँ बस बस करो मेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग। ये सवेरा सबने चूज किया कि सवेरा के मुंह पे स्प्रे मारेंगे, तो इसलिए मैं स्प्रे मार रही हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है कि सवेरा को कुछ हो जाए, इसमें कुछ नहीं होगा सवेरा को। तो 1 2 3 स्टार्ट। अरे उसका मुंह इधर था। अच्छे से नहलाओ और नीचे 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 करो। अच्छे से मजा ले लो। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। सवेरा सॉरी, तो मेरी बहुत अच्छी बहन हो लेकिन बस गेम में होना, लेकिन दुश्मनी लेना जरूरी है। फ्रेंड्स अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं मरियम के बहुत मजा आया वैसे। जैन ये लो, बहुत चाहिए ना, बहुत शौक है ना, ये सबर। मेरे लेंस लगे कसम से मेरी आंख में चले जाएगा, मेरे लेंस आंख में चले जाएंगे। तो यहीं पे करते हैं हम अपना ये वाला व्लॉग एंड वीडियो। दिए कमेंट, हमने सोचा था हम एक चैलेंज वीडियो बना लेते आप लोग के लिए। इतना टाइम हो गया है हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया, तो हमने सोचा हम लोग एक चैलेंज वीडियो बना लेते हैं बच्चों के साथ। तो बताओ आप लोगों को मजा आया इस वीडियो में? बस यही वाली वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। सवेरा के साथ हमने बहुत गलत किया, सवेरा में सॉरी कह देना मेरी तरफ से आप सबका, आपको सॉरी ठीक है, लेकिन क्या ज्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने मेरे भी मुंह पे स्प्रे मारा है। बाकी फ्रेंड बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। अगर आप लोग का ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फाड़ दो गुब्बारे, फाड़ो गुब्बारे फाड़ो। मुझे ऐसे लग रहा है तुम लोग यहाँ से चीजें चुरा रहे हो।